काल में पंजाब के 30 ट्रकों के मालिक को भारी नुकसान हुआ। इसके चलते उन्हें ट्रक बेचने पड़े। इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने एक गिरोह बनाया जो राष्ट्रीय महामार्गों पर ट्रक रोककर डकैती डालने लगे और ट्रक को बेचने लगे। ट्रक लूटने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का ग्रामीण क्राइम ब्रांच पुलिस ने पर्दाफाश किया और गिरोह के मुखिया सहित 4 सदस्यों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी समरजीत सिंह सरदार, संता सिंह मुकतसर पंजाब, ट्रक चालक नूर मोहम्मद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, अब्दुल रहमान धारावी मुंबई, मोहम्मद तसरीबुद्दीन रानीगंज उत्तर प्रदेश निवासी है। आरोपियों से ट्रक, स्विफ्ट कार, 7 मोबाइल व नकदी सहित 47,55,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह जानकारी गुरुवार को सिविल लाइन्स स्थित पुलिस भवन में पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने पत्र परिषद में दी। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप पखाले और क्राइम ब्रांच के निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे उपस्थित थे। पुलिस के अनुसार मऊदा थाने में ट्रक चालक किशोर मंडल की शिकायत पर 7 आरोपियों पर 17 फरवरी को मामला दर्ज हुआ है। आरोपी चालक किशोर से ट्रक क्रमांक WV25J5156 व माल मोबाइल व नगद सहित 24,75,000 रुपए लूट कर भाग गए थे। इसी प्रकार खिंडसी के पुल पर चालक सतीश इंगुले व क्लीनर को बांधकर ट्रक क्रमांक MH40BL5036 मोबाइल व नकदी सहित 10,38,000 का माल लूट कर ले गए थे। इसकी शिकायत रामटेक थाने में दर्ज है। आरोपियों ने घटनाओं को सफेद रंग की कार से अंजाम दिया था और उसकी नंबर प्लेट बार बार बदल रहे थे। पुलिस ने दोनों कार खोज निकाली है। नागपुर भंडारा महामार्ग पर स्विफ्ट कार क्रमांक HR49H2352 और उसके पीछे आ रही दूसरी स्विफ्ट कार क्रमांक MH49U453 को रोका। दोनों कार में सवार लोग भागने लगे तो पुलिस ने समरजीत सिंह, नूर मोहम्मद, गुल हसन, अब्दुल रहमान, साहबुद्दीन शेख और मोहम्मद तसरीबुद्दीन को धर दबोचा। चोरी के 2 ट्रकों में से एक चंद्रपुर और एक मकर धोकड़ा में खड़ा कर रखा था। आरोपियों ने कार MH49U4537 जलगांव से चुराई थी। इसका असली नंबर MH19CU0358 है। 6 लोग पूरे टोटल आरोपी हैं। इंटरस्टेट गैंग है। इसमें जो मुख्य है सिमरजीत सिंह, वो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था एंड उनके कहने के हिसाब से ही हैड सफर्ड हैवी लॉसेस, तो इसी वजह से उन्होंने प्लान किया एंड बाकी के 5 साथीदारों को उन्होंने इकट्ठा करके नागपुर को टारगेट करने की प्लान की गई थी, जिसमें उन्होंने पहले 17 तारीख को मौदा पुलिस स्टेशन के हद्दी में एक ट्रक के चालक और क्लीनर को मार के फिर ट्रक और उसके मुद्देमाल की चोरी की, और उसके 2 दिन बाद 19 फरवरी को रामटेक पुलिस स्टेशन के हद्दी में एक टिप्पर के ट्रक चालक और क्लीनर को मार के फिर टिप्पर की चोरी की। इनका मेन उद्देश्य जो है दोनों ट्रक चुरा के फिर वो अपनी तरफ से इंजन और चस्सी नंबर को चेंज करके उसका फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उसको बेचने का इनका ऐसा मोटिव था। दोनों भी केस में MOB सिमिलर थी, तो हमें तभी लगा था कि दिस वाज द सेम गैंग व्हिच वाज ऑपरेटिंग। तो हमारी तरफ से लेड बाय हमारे एडिशनल SP, LCB PI और उनके 3 अधिकारी API राउत, API वैरागढ़े और API ठाकुर, उन्होंने अपने अपने कर्मचारियों के साथ में मिलके वर्कआउट किया विथ हेल्प ऑफ टेक्निकल एविडेंस एंड दिस थिंग ऑल्सो, और उनके जो गोपनीय सोर्सेस है उनसे भी उन्होंने माहिती निकाल के फिर फाइनली दे ट्रैक द टीम द ग्रुप जो नागपुर सिटी में रेंट ले के रह रहे थे, और उनको 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को ताबे में लिया है एंड अभी ऑलरेडी टीम आर ऑन द वे टू अरेस्ट द रेस्ट ऑफ द 2 अक्यूज्ड। तो इसमें इनका मॉडस एक ही था कि ट्रक को चोरी करके फिर उसको बेच के फिर उससे जो भी है आपस में वाटअप करने का उद्देश्य। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।